अस्सलाम वालेकुम। ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बॉयल्ड पोटैटोज़, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और थोड़ी सी दरा मिर्च, नमक डालेंगे, हंस पे जाएगा, कोरिएंडर लीव्स भी डालेंगे, प्याज डाल लेंगे और हरी मिर्च डाल के इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं। मज़ीद फ्लेवर के लिए इसमें लंबी वाली ग्रीन अनियन ऐड करेंगे और इसके साथ आपको पता है बहुत ज़्यादा मज़े का टच आ जाता है। तो ब्रेड लेंगे, उसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे, साथ में हाफ प्याली लेके रखें या एक कप, और इसके जो ब्रेड के दो साइड के कॉर्नर्स हैं जहाँ पे ब्रेड का कॉर्नर बना होता है, बीच वाला हिस्सा नहीं, स्लाइस, उसको थोड़ा सा वेट करेंगे और इस तरह से आलू का बैटर इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अपने हाथ से अच्छे से शेप दे देंगे और इसको इतनी ज़ोर से प्रेस करेंगे कि जो भी हमने पानी लगाया था वो भी निचड़ जाएगा और देन इनको बहुत अच्छे से शेप्स मिल जाएंगी। और इसी तरह से हम ब्रेड रोल बनाने का ये स्टेप रिपीट करेंगे। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप लोगों ने इसको प्रेस करना है बंद करके, शेप इसको खुद ब खुद मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इसको शेप दे के बनाते जाएं और देन अब हम आगे चलते हैं इसके बैटर की तरफ कि हमें इसके बैटर में क्या क्या चाहिए है। तो बैटर के लिए हम लेंगे 4 टेबलस्पून व्हीट फ्लोर, 4 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर लेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, हंसबे जायका, और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। पानी की मदद के साथ हम पतला सा पेस्ट बना लेंगे, जितना ज़्यादा आपका बैटर पतला होगा, ज़्यादा भी नहीं थिक हो, बट बिल्कुल भी आपने पानी पानी भी नहीं करना, क्योंकि बैटर जितना पतला होगा उतना ज़्यादा अच्छे से ये बन जाएंगे और क्रिस्प आ जाएगा इसके ऊपर। तो बैटर बना लेने के बाद आप इसको, ये देखें, बदला सा इसका टेक्सचर रख के थिन पेस्ट बना लें। ऑयल लें कढ़ाई में डीप फ्राई करने के लिए। ऑयल गर्म हो जाने के बाद आप ब्रेड रोल्स को लें और उनकी कोटिंग करें इस बैटर में से, और देन आप ऑयल में डाल के फ्राई करते जाएं। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा दोनों साइड से, जब ब्रेड अच्छे से फ्राई हो जाएगा, देन आप ये रोल निकालते जाएं और इसको सर्व करें केचप के साथ। बहुत ही परफेक्ट स्नैक रेसिपी है, बिल्कुल 2-3 चीज़ों से तैयार। तो इसको लाजमी ट्राई करें, इसको टी टाइम में लें और बहुत ही मज़े के लाइट से स्नैक रेडी हो जाते हैं ये बन के। कलर आने तक हम इसको पकाएंगे, जैसे कि आप लोग वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़, सारे इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऐड होगा। और किसी भी स्ट्रेनर से आप इसको निकाल के ऑयल अच्छे से सर्व करें। ब्रेड रोल्स आपके रेडी हैं, बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट सी रेसिपी है, बच्चे भी आपके बहुत लाइक करेंगे, लंच टाइम में, ब्रेकफास्ट में भी बहुत बेस्ट रहते हैं। और रिव्यू अपना लाजमी दीजिएगा, ट्राई लाजमी कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका मज़ीद आप लोग टेक्सचर चेक कर सकते हैं कि ये अंदर से भी कितने बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। तो इसको लाजमी ट्राई करें, ब्रेड रोल्स की रेसिपी स्नैक टाइम के लिए बहुत बेस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़।